अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नसीब हंटिंग चैनल में खुश आमदीद। जी हाँ दोस्तों, आज फर्स्ट डे शिकार पे निकले हैं, लबेड़ का शिकार। तो हमारी बीटी भी आ गई है, इसकी भी हमने वीडियो बना के पहले आपको दिखा चुके हैं। तो हमारे साथ सैफ भाई हैं। जी सैफ भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आज फर्स्ट डे शिकार का, तो देखते हैं क्या मिलता है आज। काफ़ी रशियन डब आई हुई हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं, आपको अच्छे अच्छे शॉट दिखाते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह हमारे पास जो सेटअप है अभी HS की 6-24-50 की स्कोप लगी हुई है डिस्कवरी की। ये ओल्ड मॉडल में है, सुना है कि ओल्ड मॉडल यानी कि बड़ा अच्छा चलता है। और इसके अलावा कैमरा माउंट, साइड कैमरा माउंट जो हमने खुद तैयार किया हुआ है ये लगा हुआ है। और MK3 BT ये जो है ना अभी नया वर्जन आया है, तो इसमें तो नया जो बैरल है का यही कुछ है कि इसकी बैरल जो है ना लोथर वाल्थर टाइप की है, तो स्लग और पैलेट दोनों चलाती है। अभी मैं पैलेट चला रहा हूँ JSB का, और स्लग पे भी इंशाल्लाह एक्यूरेसी टेस्ट भी बनाएंगे और हंटिंग भी करेंगे, तो दोनों आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। तो चलें जी फिर इंशाल्लाह शिकार शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको अच्छी अच्छी शॉटें। एक कवर हो गया, एक और भी सौ को मीटर है नहीं हो यार, कितनी होनी? अभी एक मार गिराई है, इसके पार भी लगी है लेकिन अभी जिंदा है, ज़बह करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पर्चा है, यहाँ पे जाते हैं जी। दो पैलेट पे दो गिरा लिए, ये पड़ी है जी एक माशाल्लाह बड़ी रशियन डॉग। एक और भी आपको दिखाते हैं, एक हमने रिसीव कर ली है, दूसरी देखते हैं जी। व्यूअर भी माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा शिकार आने वाले हैं, ये देखें जी मेरे पाँव बिल्कुल अंदर चले गए। शिट, ये देखें, और वो आगे आगे जा रही है। चलें जी एक तरीका और करते हैं। या दोस्तों दोनों रिसीव कर लिए, ये पीछे पानी में गिर गई थी ये देखें, तो पानी में जाना बड़ा मुश्किल था, ज़मीन में तकरीबन 6-6 इंच नीचे जा रहा था, यानी कि ज़मीन बड़ी नरम हो गई है। तो इंशाल्लाह अभी और भी आएंगे इंशाल्लाह। बैठी है, मुझे देख के बड़ी दूर बैठ गई है ये जो पीछे, आपको बताऊँ ये वो खम्बा आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो उस खम्बे के पास वहाँ पर बैठी है। तो अभी इंशाल्लाह और भी आएंगे, दिखाते हैं जी इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी अच्छी शॉटें दिखाते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर।
दोस्तों अभी एक मार गिराई है 70 यार्ड से, तो बड़ी ज़बरदस्त हिट हुई है। नीचे सारा पानी है, पानी में जाके वो गिर गई है। ठीक है, गन हमने रख दिया है ये नीचे, तो जाके ढूंढते हैं नीचे पानी में। अभी मैं आपको ऊपर से दिखा भी देता हूँ। तो ये नीचे सारा पानी है, अभी देख लें। वो सामने उधर पड़ी हुई है, उठाना भी बड़ा मुश्किल है। नीचे ये सारा पानी है, देख लें इस तरह, ये सारा पानी है नीचे, ये देख लिए। अभी इंशाल्लाह उठाते हैं। तो जनाब अभी पानी में हम उतर चुके हैं, बूट मैंने उतार दिए हैं, तो इधर ही पड़ी होनी चाहिए। ये देखें, ये सारा चश्मे का पानी है, ये देखें पड़ी हुई है। ठीक है, काफ़ी मोटी लबेड़ है, ऊपर से आगे गिरी है वहाँ ऊपर से, तो ये देख लें। ठीक है, अभी ये लास्ट टाइम है, इसके बाद फिर नहीं मिलेंगी, यही एक लबेड़ हमें मिल गई है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। ये देख लें जी, ये एक तितर है, एक नीचे है, दोनों नर रहे हैं। तो अभी इन लोगों ने पकड़े हैं, इस एरिया में तितर जो है ना बिल्कुल नहीं है, तो इन दोनों बंदों ने अभी पकड़े हैं। ये जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा है जो तीतर पकड़ रहे थे। ठीक है, ये देख लें, मेरे पास दो तीतर हैं, अभी ये पट्टे हैं, यानी कि मुकम्मल तीतर नहीं है, इन लोगों ने पकड़ लिए थे, तो हमने इनसे ले लिए। उसकी तस्वीर भी उनकी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो में। तो ये देख लें, ये अभी पूरे पूरे भी नहीं है, तो ऐसा जुल्म ना किया जाए, क्योंकि अभी सीज़न भी नहीं है इनका। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब सीज़न आए और जिस एरिया में इनकी तादाद ज़्यादा हो फिर शिकार किया जाए। ये हमारे सामने वहाँ पर घूम रहे थे ज़मीन में, लेकिन मैंने इनका यानी कि शिकार नहीं किया है। तो अभी जैसे ही मैं साइड पर आया तो इन लोगों ने जाल लगा के पकड़ लिया था। तो ये इंशाल्लाह अभी मैं फिर आपके सामने ये छोड़ रहा हूँ, ये देख लें। ठीक है, ये देख लें, एक और वो दो, दोनों को मैंने छोड़ दिया दोबारा।